हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली। इससे पहले भी मैं इस टाइप की एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैंने महसूस किया कि अभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनसे जो है आपकी इंग्लिश जो है इफेक्टिवली आप बोल सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है कि स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली, यानी अच्छे अंदाज से अंग्रेजी बोलें, जो लफ्ज़ हैं उनको रिपीट ना करें। जैसे कि आप जानते हैं कि लफ्ज़ों का जो है मुतबादल लफ्ज़ बोलने से आपकी इंग्लिश हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, आपकी स्पीकिंग जो है, टॉकिंग या आपकी स्पीच जो है या आपका नैरेटिव जो है वो अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे ये वीडियो मैंने आपकी खिदमत में बनाई है। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है यस। अब देखें, कई बार ऐसा होता है कि हमसे लोग पूछते हैं कि आपने मेरे साथ जाना है, मेरे साथ यानी उनके साथ जाना है, तो हम यस का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा उन्होंने पूछा कि आप जो है कराची घूम कर आए हो, तो भी हमने यस कह दिया। अच्छा, दोबारा उन्होंने पूछा कि जो है आज बारिश हो रही है आपके यहाँ, तो हमने कह दिया यस। तो देखें, ये जो यस हमने इस्तेमाल किया ये है तो बिल्कुल सही, लेकिन अगर इसकी जगह पे इसके मुतबादल जो है अल्टरनेट अल्फाज हम बोलेंगे तो हमारी इंग्लिश जो है इफेक्टिव होगी। सामने वाले को पता लगेगा कि यार इस बंदे के अंदर टैलेंट है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जहाँ पे हमने यस बोलना है, यहाँ पे हम यस के बजाय कुछ और लफ्ज भी बोलेंगे अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे या देखें, ये जदीद दौर है और यहाँ पे आपने सुना होगा मूवीज के अंदर या जो है सीरियल्स के अंदर कि वहाँ पे इस वर्ड यप का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा है। सपोज आपने मुझसे पूछा कि क्या आज आप कॉलेज आ रहे हैं, तो मैंने कह दिया यस के बजाय यप, यानी मैं हाँ आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद श्योर, ये भी यस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। श्योर वर्ड यस की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी यही बताया कि आप वर्ड्स को जो है रिपीट ना करें, यानी हमने यस को रिपीट नहीं करना अपनी कन्वर्सेशन में। एक बार यस बोल दिया, उसके बाद हम जब दूसरी बार हमें हाँ बोलना पड़े तो हम यप का इस्तेमाल करें। इसी तरह तीसरी बार हो तो श्योर, और उसी तरह ऑफकोर्स। सपोज कोई हमसे पूछे कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो हमारे साथ, तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल क्यों नहीं। तो इसी तरह ये इसी वर्ड का भी यूरोप के अंदर और जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों के अंदर जो है काफी इस्तेमाल हो रहा है। ये मीन्स हाँ, यस, मैंने कोई चीज हासिल कर ली है। इसी तरह सर्टेनली जो है उसकी भी मीनिंग हम यही निकालते हैं, यकीनन, लेकिन ये आप यस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मकसद ये है कि आपने यस को रिपीट करने के बजाय उसकी जगह पे यप, श्योर, ऑफ कोर्स, ये और सर्टेनली का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है इफेक्टिव होगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नो। जब हमें कोई चीज किसी चीज का इनकार करना होता है तो हम नो का सहारा लेते हैं, ये नॉट, ठीक है। अच्छा, तो हम नो या नॉट को रिपीट करने के बजाय हम उन वर्ड्स जो है दूसरे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे यस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह यहाँ पे नो के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपने मुझे कहा कि आप मुझसे जो है चीजें लेने या देने के लिए तैयार हैं, अगर मैं उस पर बिल्कुल ही तैयार नहीं हूं, यानी मुझे सख्त इख्तलाफ है उस चीज से लेने से या देने से, आपसे जो है ट्रेड करने से, तो मैं एकदम बोलूंगा एब्सोल्युटली नॉट। क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, उसके बाद हमारा वर्ड जो है नो, यानी आपने मुझे कहा कि आप मेरे साथ कराची जा रहे हो, मैंने कहा नो की जगह या नॉट की जगह मैंने कह दिया नो, नहीं जाना मुझे। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे एक और वर्ड है सॉरी। सपोज आपने मुझे कहा कि मुझे अपना मोबाइल एक मिनट के लिए देना, तो मुझे नकारना है, तो इसके लिए मैंने लाजम नहीं कि नो का इस्तेमाल करना है, मैं अपनी इंग्लिश को, अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए कह दूंगा सॉरी। अब सॉरी से मुराद यही है कि मैं नहीं दे सकता, नहीं दूंगा, नहीं दे रहा। अच्छा, इसी तरह नो वे। सपोज आपने
मुझसे कुछ पूछ लिया कि क्या आज आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और मुझे नहीं जाना है, तो वहां पे मैं जो है नो वे, यानी इसका कोई जो है सवाल पैदा नहीं होता कि मैं जाऊं। अच्छा, इसी तरह नॉट लाइकली, सपोज आपने मुझे कह दिया कि क्या आज बारिश नहीं आने वाली और मुझे भी नेगेटिव में ही जवाब देना है, तो मैं यही कहूंगा कि नॉट लाइकली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने जो सीखा है यस और नो के बारे में, यानी यस और नो के बजाय आप इन वर्ड्स को रिपीट करने के बजाय इनकी जगह पे दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ऐसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त।